अंडर 19 वर्ल्ड कप स्टार अर्चना देवी की कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप। जिन हालातों में मां ने बनाया स्टार, आप मान लेते हार। किसी ने कहा डायन तो किसी ने कहा बेटी को गलत धंधे में डाला, लेकिन मां ने नहीं मानी हार और बेटी की उड़ान को दिए पंख। अर्चना देवी ने देखिए कैसे बुरे दिनों में भी मेहनत को नहीं छोड़ा, जो करते थे नफरत आज सफलता पर ठोक रहे सलाम। देखिए कैसे अर्चना देवी ने टीम इंडिया को बना दिया विश्व विजेता और किन हालातों में तय किया सड़क से सफलता तक का सफर। अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कब्जा करने वाली भारतीय महिला टीम की हर तरफ चर्चा हो रही है। कोई खिलाड़ियों को शाबाशी दे रहा है तो कोई उनकी मेहनत और लगन के कसीदे गढ़ रहा है। जिन खिलाड़ियों ने हमें जश्न मनाने का मौका दिया, उनमें कई गुदड़ी के लाल हैं जिन्होंने तमाम दिक्कतों का सामना किया और आज एक अलग पहचान बनाई। इन्हीं खिलाड़ियों में एक नाम है अर्चना देवी का। अर्चना देवी वो खिलाड़ी हैं जिनके पिता और भाई के निधन के बाद परिवार का गांव और रिश्तेदारों ने बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन मां ने तमाम दिक्कतों का सामना करने के बाद भी बेटी को स्टार बना दिया और आज जो लोग बॉयकॉट करके दूर हुए थे वही सलाम कर रहे हैं। अर्चना की सफलता इतनी भी आसान नहीं है जितनी लग रही है। ICC महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली अर्चना देवी को अब ज्यादातर लोग जानने लगे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वो गुमनामी का शिकार थी। अर्चना ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में ग्रेस स्टीवंस और नियाम हॉलैंड के महत्वपूर्ण विकेट लिए और मैकडोनाल्ड गे का शॉर्ट कवर्स में दर्शनीय कैच भी लपका था। अर्चना देवी के क्रिकेटर बनने के पीछे उनकी मां ने कड़ी तपस्या की और समाज की आलोचनाओं को भी झेला। अर्चना की मां सावित्री की माने तो पति का कैंसर के कारण निधन हुआ था, बेटे को सांप ने काट लिया और निधन हो गया। परिवार के दो लोगों की असमय मौत के कारण पड़ोसी रिश्तेदार उनको डायन बुलाते थे। इसके बाद रिश्तेदारों ने सावित्री पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने बेटी अर्चना को गलत रास्ते पर भेज दिया। सावित्री ने जब बेटी का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में दाखिला कराया तब पड़ोसियों ने कानाफूसी की थी कि मां ने अर्चना को किसी दलाल के पास बेच दिया है। लड़कियों का ये बोर्डिंग स्कूल गंज मुरादाबाद में है, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उनके गाँव रतई पुरवा से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। सावित्री ने बातचीत में कहा कि रिश्तेदार कहते थे कि लड़की को बेच दिया, लड़की को गलत धंधे में डाल दिया है। ये सारी बातें मेरे मुंह पर बोल दी जाती थी और घर से निकल जाने के लिए कह दिया जाता था। जिस दिन सावित्री की बेटी अर्चना महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी, तब वही रिश्तेदार और पड़ोसी उनके घर में बैठे हुए तारीफें कर रहे थे, जो उनको देखकर रास्ता बदल लेते थे और कहते थे कि डायन का साया न पड़ जाए। मैच वाले दिन घर में मेहमानों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पड़ोसी जो उनके घर में एक गिलास पानी नहीं पीते थे वो अब मदद कर रहे हैं। बता दें कि अर्चना के पिता शिवराम का 2008 में कैंसर के कारण देहांत हो गया था। सावित्री पर काफी लोन और 3 युवा बच्चों की देखभाल का जिम्मा था। 2017 में सावित्री के छोटे बेटे वुद्धिमान सिंह की सांप के काटने से मौत हो गई। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने सावित्री को बिल्कुल नहीं बख्शा। अर्चना के बड़े भाई रोहित कुमार की माने तो गांव वाले मेरी मां को डायन बुलाते थे, कहते थे पहले पति को खा गई फिर अपने बेटे को। हमारे घर को डायन का घर कहा जाता था। उन्होंने बताया कि बच्चों की परवरिश के लिए उनकी मां ने कितनी तकलीफें सही। रोहित ने बताया कि छोटे भाई बुद्धिमान का आखिरी सपना था कि अर्चना क्रिकेट खेले और अपना सपना पूरा करे। रोहित की माने तो अर्चना पहले बुद्धिमान के साथ क्रिकेट खेलती थी, जो उससे केवल 1 साल बड़ा था। अर्चना ने शॉट मारा और गेंद एक निर्माणाधीन कमरे में गई। बुद्धिमान जब गेंद निकाल रहा था तो उसके हाथ में सांप ने काट लिया और उसका इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में निधन हो गया। उसके आखिरी शब्द थे, अर्चना को क्रिकेट खिलाओ। महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के दिन सावित्री का घर मेहमानों से भरा था। सभी लोग कह रहे थे कि तुम लोगों की तो किस्मत बदल गई, लेकिन इस सबसे परे सावित्री चूल्हे में 20-25 लोगों का खाना बनाने में व्यस्त रही। 21 साल के रोहित ने अपनी माँ के हाथ से स्मार्टफोन लेकर कहा, मेरी माँ बहुत महान है, जिन्होंने एक चवन्नी कभी मदद नहीं की, वो आज मेहमान बने हुए हैं और ये सबको चाय पिला रही हैं। रोहित ने अर्चना को प्रोत्साहित करने के लिए कुलदीप यादव को श्रेय दिया। रोहित ने कहा कि कुलदीप यादव कहते थे, अर्चना तुम्हें भी इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है। अर्चना पलटकर कहती थी, हाँ भैया। एक दिन कुलदीप यादव एकेडमी के कुछ बच्चों को लेकर लंच पर गए थे। रास्ते में अर्चना ने पूछा कि भैया ये कौन सी गाड़ी है। कुलदीप भाई ने पलटकर कहा, जब बड़ी स्टार बन जाओगी तो इससे भी अच्छी गाड़ी लेना और हम सबको घुमाना। आज अर्चना ने अपने घर का सपना पूरा किया और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचाने को बेकरार है। अर्चना देवी की सफलता पर जहाँ गाँव के लोग इतरा रहे हैं तो वहीं रिश्तेदार तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब ये सब सिर्फ लालचन लगाने का काम कर रहे थे। उसके बाद भी बिना किसी शिकायत के अर्चना के परिवार ने सबको गले से लगाया और उनकी मां ने सारे शिकवे भुला दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।